डेटाबेस के अंदर कनेक्ट कर चुके हैं। अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, देखा आपने सारा डेटा आ गया टेबल से। अब अगर गाइस मैं इसी चीज़ को लिख देख 14 रोज थी, अगर मैं इसी चीज़ को लिख दूँ सेल स्टार फ्रॉम ईएमपी, ये देखिए अननोन कमांड बिगिनिंग SEL स्टार फ्रॉम, ये रेस्ट ऑफ लाइन इग्नोर, क्योंकि कमांड गलत है, शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं है SQL में। लेकिन अगर मैं आपको क्लियर स्क्रीन लिख के दिखाऊँ, देखिए अब देखिए स्क्रीन क्लियर हो चुकी है ना, मैंने कहीं सेमीकॉलन लगाया। सो ये SQL स्टार प्लस की कमांड थी। अब अगर मैं आपको और दिखाता हूँ, जैसे कि सपोज़ कीजिए मैंने अगेन कनेक्ट कर लिया, वैसे ऑलरेडी कनेक्ट स्कोर सेलेक्ट टाइगर, ओके सो कनेक्टेड हो चुका है। सो गाइस अगर मैं अब लिखता हूँ CLSCR, ये शॉर्ट फॉर्म है क्लियर स्क्रीन की भी, अननोन कमांड शायद बीच में स्पेस है CLSCR, ये देखिए गाइस। सो गाइस इस तरह से आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या डिफरेंस है। सो हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी तो ओरेकल सीरीज की ये सेकंड पार्ट है, इस हम ओरेकल की पूरी सीरीज बना रहे हैं जिसमें हम आपको डेटाबेस सिखाएंगे पूरा ओरेकल, ओके इतना कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओगे तो किसी भी डेटाबेस को हैंडल कर सको, उसकी क्वेरीज लिख सको। सो गाइस ये हमारी सेकंड पार्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है पहले इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने काफ़ी कुछ डिटेल में बताया है डेटाबेस क्या होता है, क्या डेफिनेशन है, या और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, और कुछ प्रैक्टिकल भी शो किया है, तो वो वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद ही इस वीडियो पर कंटिन्यू कीजिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। सो गाइस आज हम बात करेंगे कि ओरेकल की हिस्ट्री क्या है, कौन सा ओरेकल हमें इंस्टॉल करना है। तो अलग अलग ओरेकल हैं, तो अलग अलग वर्जन हैं, किस में क्या है, अगर कोई नाम हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसकी असली डिटेल क्या है, क्यों हम उसको यूज़ कर रहे हैं, पूरी बारीकी से आप समझेंगे आज की इस वीडियो में। सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं। सो गाइस ओरेकल के फाउंडर कौन है, ओरेकल के फाउंडर हैं लैरी एलिसन, तो सो ये हैं, बाकी आप देख सकते हैं कंपनी कैलिफोर्निया में, तो ये डिटेल वगैरह देख सकते हैं, तो ये हैं लैरी एलिसन, देख सकते हैं पीछे ओरेकल, सो बाकी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। वैसे अकेले फाउंडर तो नहीं है, ये दो और हैं साथ में, लेकिन मेन का ही नाम ज़्यादा आता है, तो बाकी आप डिटेल दे सकते हैं, उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो आप गूगल कर सकते हैं आपको मिल जाएगा। मेन थिंग हम आपको हिस्ट्री समझाएंगे, ओके वो चीज़ गूगल हो सकती है। सो ओरेकल क्या है, ओरेकल एक प्रोडक्ट है बाय ओरेकल कॉरपोरेशन, ओरेकल कॉरपोरेशन कंपनी का नाम है। सो इसलिए एस्टेब्लिश कब हुई थी 1977 में, एक बार सन आप चेक कर सकते हैं, उस पर इतना फोकस मत करिए, अगर आई डोंट थिंक कि ये रॉन्ग होगा, बट अगर रॉन्ग हुआ भी तो एक बार गूगल जरूर कर लेना सन वाली चीज़, अगर आपको सच में हो सकता है कहीं क्वेश्चन हो जाए। फाउंडर कौन है, लॉरेंस एलिसन, ओके। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या आया था ओरेकल का, फर्स्ट आया था सिस्टम आर, जो कि किस कैटेगरी में था, RDBMS, DBMS की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। रिलेशनल के लिए आर है, तो रिलेशनल तो सबसे पहले इसे एक तरह से ये ओरेकल 1.0 ही था, मतलब पहला वर्जन ओरेकल का, ओरेकल की कंपनी का, लेकिन इसका नाम इन्होंने सिस्टम आर दिया था, ना कि ओरेकल 1.0 था। उसके बाद ओरेकल के और भी प्रोडक्ट आए, ओरेकल 2.0 आया, फिर 3 आया, 4, 5, 6 और आते रहे 7, जैसे ही 7.3 तक आए तब तक ये सब थे गाइस RDBMS की कैटेगरी में, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन था टेबल्स के बीच में या डेटाबेस के बीच में, आप इसे इस तरह समझ सकते। तो फिर क्या हुआ, फिर एक रिवॉल्यूशन हुई, क्या चीज़ आई गाइस, फिर ओरेकल 8.0 जब आया तो ये आया ORDBMS, अभी तक था RDBMS, ओ लग गया, तो ओ ये किस लिए था, ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट के अराउंड वर्क कर रही थी, हर जगह ऑब्जेक्ट ही थी, तो ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ गया। सो ये अगर आपने क्लास पढ़ी है या किसी और भी लैंग्वेज में थोड़ा क्लास ऑब्जेक्ट की थोड़ी नॉलेज है तो आप समझ पाएंगे कि ऑब्जेक्ट कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है, और हम किस तरह से उस पर कोडिंग करते हैं या क्लास बनाते हैं, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करते हैं, बहुत सी चीज़ें, इतना मैं डिटेल में नहीं जा रहा अभी, मेन चीज़ ये समझिए कि कौन सा किस कैटेगरी में स्टैंड करता है। इसके बाद इंटरनेट की एरा स्टार्ट हुई, ओके सो इंटरनेट ही हर जगह छाया लगा, तो उसको देखते हुए ओरेकल ने भी इस चीज़ को
सही टाइम पे यूटिलाइज करने के लिए ओरेकल का 8i वर्जन निकाला। आई यहाँ पे क्या था, इंटरनेट के लिए, और ये किस कैटेगरी में था, ये था OODBMS, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, ओ नेक्स्ट वो ओरिएंटेड के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो ओरेकल 8i किस में आया था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद ओरेकल ने और भी काफ़ी प्रोडक्ट निकाले, बाकी आप लेटेस्ट देख सकते हैं नेट से, मेनली 9i, 10G, फिर 11GB आया, फिर 12C, 18C, 19C, तो ऐसे करके एक बार कंफर्म कर लें 19C का, सो मैं गलत नहीं बताना चाह रहा। ओके, आई स्टैंड करता है यहाँ पर इंटरनेट से, ये भी आपको समझना होगा, जैसे यहाँ पे 8i है, G है, तो इसकी थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए कि ये क्या है। तो आई किस लिए है यहाँ पे, जो 8i या 9i, आई स्टैंड करता है इंटरनेट के लिए। और अगर आपने जावा पढ़ी है, जावा नहीं भी पढ़ी, थोड़ा बहुत अपने स्कूल कॉलेज टाइम में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है उसकी हिस्ट्री या कुछ भी, तो आपको पता होगा जावा को हम लैंग्वेज बोलते हैं इंटरनेट के लिए, और इसमें JVM होता है, जावा वर्चुअल मशीन। सो आपको पता होगा कि वो बाइट कोड बना देता है, तो फिर वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकता है। सो ये इसकी स्ट्रेंथ थी जावा की। और ये JVM है, जावा वर्चुअल मशीन, ये इनबिल्ट है, अपने आप ही बिल्ट है, किसमें, ओरेकल 8i में, ओरेकल 8i वाले वर्जन में। तो अगर उसमें JVM इनबिल्ट है और जावा को लैंग्वेज कहते हैं इंटरनेट की, तो एक तरह से ओरेकल 8i को हम इंटरनेट कह सकते हैं आई को, तो इसलिए बिकॉज जावा इज़ लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट एंड ओरेकल 8i है सपोर्ट, बिल्ट इन सपोर्ट फॉर जावा, दैट्स वाई आई फॉर इंटरनेट। सो बाकी कनेक्टिविटी हम करते हैं जावा की, तो JDBC नॉर्मली यूज होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। बाकी मैं जावा में हूँ नहीं, बट मेन थिंग ये है कि JDBC, और बाकी इसमें भी, इसमें कुछ और यूज़ होता है, SQL दे करके है कुछ। मेन थिंग अभी समझिए कि आई किस लिए है, क्योंकि जब आप इंस्टॉल करोगे ना सॉफ्टवेयर, ओरेकल 10G, 11G या सी कोई सा, तो उसके पहले पता तो उसके अंदर है क्या, नहीं तो इंस्टॉल करके फिर उसमें यूज़ नहीं कर पाओगे प्रॉपर, जब तक पता नहीं होगा, तो उस बेस पे हम यूज़ करेंगे जो हमें चाहिए। और गाइज आपने ऊपर देखा था 11G, 12G, तो जी क्या है, जी है ग्रिड कंप्यूटिंग के लिए। सो जहाँ पर भी सर्वर्स हैं, मल्टीपल सर्वर्स हैं, एक साथ शेयरिंग मोड में यूज़ हो रहे हैं, सो मैं भी वर्क कर रहा हूँ, आप भी वर्क कर रहे हो कहीं ना कहीं से सर्वर, तो एक साथ शेयर हो रहे हैं, तो जहाँ भी कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सर्वर्स हुआ, तो उसे हम कह सकते हैं ग्रेड कंप्यूटिंग। तो जी ग्रेड के लिए था, ग्रेड कंप्यूटिंग के लिए, उसमें 11G वगैरह में, 12G में, तो हम 11G ही इंस्टॉल करेंगे। वैसे अभी 12G अभी लेटेस्ट आया हुआ, वो आप अपने हिसाब से देख लेना, बाकी मैं इंस्टॉलेशन तो बताऊंगा ही, बस उसमें जो नया नाम आएगा आप लेटेस्ट कर देना इंस्टॉल। और अगर हमारे साथ ही जाना चाहते हैं उसी प्रोसेस में, ज़्यादा चेंज होता नहीं है, तो उससे कर सकते हैं, बाकी आपकी चॉइस है। और गाइस आपने ऊपर देखा था 11G के बाद था यहाँ पे 12C और 18C, ये सब चीज़। सो सी क्या है, सी है क्लाउड से। ओके, सो क्लाउड से हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे परचेज कर सकते हैं स्पेस या सर्विस भी ले सकते हैं। तो क्लाउड एक अलग चीज़ है, एक अलग अलग टॉपिक है, अलग ही क्लास चली जाएगी इसकी। मेन थिंग ये समझिए कि कहीं पर हमने डेटा स्टोर करके रखा है, या सपोज़ कीजिए आपके सिस्टम में स्पेस नहीं है और आप नेट पे कहीं क्लाउड से सर्विस ले लो स्पेस की, या फिर उसके प्लेटफॉर्म पे सिस्टम को यूज़ करके अपना सारा काम कर लो। सो और आप उसको पे कर दो उसके बदले में कुछ, तो इसे आप क्लाउड कह सकते हो एक तरह से, कि क्लाउड के आपने एज ए सॉफ्टवेयर, एज ए प्लेटफॉर्म आपने उसे यूज़ कर लिया। तो अलग अलग चीज़ होती हैं इसकी, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, सर्विस सॉफ्टवेयर है सर्विस, तो वो सारा डिटेल में हो जाएगा, मेन थिंग आप ये समझिए। और इसमें भी ओरेकल की भी कई दो चीज़ें, जैसे ओरेकल DB है और ओरेकल डेवलपर। आप क्या चीज़ पढ़ रहे हैं या क्या चीज़ में, किस चीज़ में जाना चाह रहे हैं, DBA की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जैसा कि आपको पता होगा मे बी। सो अगर आपको ज़्यादा इंटरनल चीज़ों की जानकारी लेनी है, जैसे कि आर्किटेक्चर क्या है, ओके, और डिज़ाइन क्या है, कैसे ओरेकल बना है और इंटरनली कैसे प्रोसेस होता है, और बैकअप लेना डेटाबेस का या रोल बैक करना, कोई चेंजेस होगा उसे दोबारा पीछे लाना, सो बहुत सी कमांड्स होती हैं इस तरह की। सो ओरेकल DBA अगर आप बनना चाहते हैं, तो आपको ओरेकल 18C या 19C करना चाहिए, जो कि क्लाउड से रिलेटेड है, तो उसमें आप बाकी और चीज़ें अपनी कर सकते हैं, ऑपरेशन वगैरह। और ओरेकल डेवलपर बनने के लिए आप ज़रूरी नहीं, आप 11G, आप उसमें भी बाकियों में भी ट्राई कर सकते हैं, पर जिसमें मैं आपको बताऊंगा वो है 11G। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आएगा इंस्टॉलेशन। सो अगर 12G होगा, 11G होगा, आप देख लेना और आप सर्च करना मेरे जैसे, मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और लेटेस्ट आप कर लेना। ओके, सो गाइज ओरेकल में भी तीन चीज़ें हैं जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि फर्स्ट है SQL, सेकंड है PL SQL, थर्ड है SQL Star+। SQL मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था, SQL एक लैंग्वेज है,
जिसकी हेल्प से हम कमांड्स लिख सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं डेटाबेस से। और अलग अलग डेटाबेस होते हैं जिसमें अलग अलग सिंटैक्स होता है, अलग अलग लिखने का तरीका होता है डेटा को सेलेक्ट करने का या हर एक कमांड। सो ये बेसिकली सीक्वल होती है। पीएल सीक्वल में थोड़ा प्रोसीजर वगैरह चीज़ें आ जाती हैं और फंक्शंस, लूप, एक तरह से प्रोग्रामिंग अप्रोच, प्रोग्रामिंग वाली चीज़ें आपको साथ में मिल जाती हैं। तो पीएल सीक्वल ये होता है। ओके, क्वेरी होती हैं डेटाबेस की, वो भी होती हैं, लेकिन साथ में पैरामीटर, प्रोसीजर, प्रोसीजर का होता है, अभी उतना ध्यान मत दीजिए, समझाऊंगा आगे डिटेल्स में। सीक्वल स्टार प्लस ये क्या है? ये एक इन्वायरमेंट है ओरेकल पे, जिसकी जिसमें हम ये सब चीज़ करते हैं, जैसे कमांड लिखते हैं ओरेकल की, तो वो भी अभी दिखाने वाला हूँ आपको। सो उससे पहले आपको ये चीज़ देख लीजिए, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन सीक्वल एंड सीक्वल स्टार प्लस। सीक्वल क्या है? सीक्वल एक लैंग्वेज है और सीक्वल स्टार प्लस एक इन्वायरमेंट है जिसके अंदर हम लिख सकते हैं कोड। ये बेसिकली सिर्फ ओरेकल के लिए है। ओके, सो बाकी सीक्वल जो है ये स्टैंडर्ड है, लैंग्वेज है एक तरह से। सो आप किसी भी डेटाबेस को यूज़ करें, सीक्वल तो आप यूज़ करते ही करते हो। ANSI स्टैंडर्ड लैंग्वेज है ये। ओके, और ये ओरेकल का प्रोडक्ट है, बताया था ऊपर ही, बताया था मैंने, हर ओरेकल का प्रोडक्ट है। सेमी कॉलन यूज़ करते हैं हम इसमें लाइन को टर्मिनेट करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में, अगर मैंने कमांड लिखी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP फिर सेमी कॉलन, तो EMP टेबल का नाम और सारा डेटा उसमें से शो कर दो, तो सेमी कॉलन लगाना पड़ा था। और यहाँ पे हमें ऐसे सेमी कॉलन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल भी इसमें कमांड है क्लियर स्क्रीन, देख सकते हैं ऐसे लिख के, तो सेमी कॉलन वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं है सीक्वल में, जैसे कि अगर आप सेलेक्ट को लिखना चाहें यहाँ पे, सपोज़ कीजिए कि आपने सेलेक्ट की जगह क्या लिख दिया, सेल स्टार फ्रॉम EMP, ये आपको रिजल्ट लेके नहीं दे सकता, डेटा निकाल के नहीं ला सकता उस टेबल से, चाहे डेटा हो उसमें, क्योंकि ये कमांड ही गलत है, पूरा नाम आपको लिखना पड़ेगा, आप शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं है। लेकिन सीक्वल स्टार प्लस में शॉर्ट फॉर्म अलाउड है, उसमें आप CLSER लिख के क्लियर कर सकते हैं स्क्रीन को। सो गाइस, अब मैं खोल लेता हूँ सीक्वल कमांड लाइन, तो रन सीक्वल कमांड लाइन लिखता हूँ। सो ये रहा, सर्च करके आप सर्च कर सकते हैं, रन सीक्वल कमांड लाइन को मैं ओपन कर देता हूँ। ओके, सो इसमें हम क्वेरी लिखेंगे। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या कह रहा था। सो आप देख सकते हैं गाइस, मैंने अभी सीक्वल स्टार प्लस बताया था, देख सकते हैं सीक्वल स्टार प्लस ये रहा, रिलीज़ क्या है 11.2 ये वर्जन की बात कर रहा है। ओके, और कॉपीराइट किसका है? ओरेकल का, और सारे राइट्स रिजर्वड हैं। तो देख सकते हैं सीक्वल स्टार प्लस ये एक इन्वायरमेंट है जिसमें हम कमांड लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे कमांड होती है, अभी इतना समझिए, कनेक्ट यानी कनेक्ट कर दो डेटाबेस से, यूज़र बनाया था मैंने इंस्टॉलेशन के टाइम पे, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगा, अभी आप सिर्फ वो देखिए कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। कनेक्ट स्कॉट फॉरवर्ड स्लैश टाइगर है इसका पासवर्ड, ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड से कनेक्ट कर दो। सो पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा विद इन 7 डेज। ओके, ये कह रही है उस चीज़ को मैं रीसेट कर लूँगा। सो कनेक्टेड हो चुका है गाइस, यूज़र नेम, ओके, पासवर्ड और पासवर्ड, तो हम डेटाबेस के अंदर कनेक्ट कर चुके हैं। अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, देखा आपने सारा डेटा आ गया टेबल से। अब अगर गाइस मैं इसी चीज़ को लिख, देख 14 रोज थी, अगर मैं इसी चीज़ को लिख दूँ सेल स्टार फ्रॉम EMP, ये देखिए अननोन कमांड बिगिनिंग SEL स्टार फ्रॉम, ये रेस्ट ऑफ लाइन इग्नोर, क्योंकि कमांड गलत है, शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं है सीक्वल में। लेकिन अगर मैं आपको क्लियर स्क्रीन लिख के दिखाऊं, देखिए अब देखिए स्क्रीन क्लियर हो चुकी है ना, मैंने कहीं सेमीकॉलन लगाया। सो ये सीक्वल स्टार प्लस की कमांड थी। अब अगर मैं आपको और दिखाता हूँ, जैसे कि सपोज कीजिए मैंने अगेन कनेक्ट कर लिया, वैसे ऑलरेडी कनेक्ट स्कोर स्लैश टाइगर। ओके, सो कनेक्टेड हो चुका है। सो गाइस, अगर मैं अब लिखता हूँ CLSER, ये शॉर्ट फॉर्म है क्लियर स्क्रीन की भी, अननोन कमांड शायद बीच में स्पेस है, CLSER, ये देखिए गाइस। सो गाइस, इस तरह से आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या डिफरेंस है इनमें, ओरेकल में या स्टार प्लस में या इन सारी कमांड्स में। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, ताकि वो भी ये जानकारी ले सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस, कीप लाइकिंग, कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।